वो वहाँ पर चली गई। मैंने भी वो
जल्दी उठ जाता है, बस मैं ही हूँ जो इतनी लेट उठती हूँ। एनीवे अब मुझे उठ जाना चाहिए, वैसे भी जिसू मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। लेकिन ये सुबह सुबह किधर गायब हो गया, कहीं दूसरे रूम में तो नहीं चला गया? शायद इसको अच्छा नहीं लगा कि मैं इसके पास सो रही थी, इसलिए चला गया होगा। देख लेती हूँ। यहाँ पर भी नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? कहीं नीचे तो नहीं चला गया? लेकिन इतनी जल्दी, शायद फ्रेश होकर नीचे चला गया है। लेकिन उधर देख लेती हूँ। इतनी सुबह सुबह वो भी यहाँ पर खड़े हो, क्या हुआ? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? मुझे लगा तुम चले गए। हाँ जा ही रहा था, लेकिन मेरी मॉम ने रोक लिया। मेरी मॉम ने कहा कि मैं आज ऑफिस ना जाऊँ, इसीलिए नहीं गया। क्या, मॉम ने मना किया? लेकिन क्यों? मतलब कोई काम होगा तो ही रोका होगा ना उन्होंने? हाँ काम है। एक्चुअली वो चाहती है कि आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूं और टाइम स्पेंड करूं और हम लोग बाहर जाए घूमने, तो इसीलिए मैं नहीं गया क्योंकि मॉम ने मुझे मना किया था। आज हमें बाहर जाना होगा और घूमना होगा। क्या, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अभी कल ही हम लोगों की पार्टी थी, हम लोगों ने वहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया, पार्टी के बाद भी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, और अब बाहर घूमना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं काफी थकी हुई हूँ कल से, मुझे और आराम करना था, लेकिन नहीं, अब फिर से घूमना पड़ेगा। मैं थकी हुई हूँ, क्या करूँ? मॉम को मना भी तो नहीं कर सकती। देखो मॉम की बात को टाल नहीं सकते, वो बहुत गुस्सा हो जाती है, इसीलिए मैं उनकी हर बात मानता हूँ और शायद तुम्हें भी माननी पड़ेगी अब। तो बिना टाइम वेस्ट किए जाओ और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर हमें निकलना है, इसलिए जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से नीचे चला जाता है और टाइ जाती है और फ्रेश होती है, वो भी नीचे चली जाती है। आज पूरा दिन पूरी रात तुम लोग घूमोगे, और हाँ रात को तुम चाहे जितनी लेट आओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जल्दी आए ना तो फिर मैं तुम लोगों को घर के अंदर एंटर नहीं होने दूंगी। तुम लोग अच्छे से मस्ती करोगे उसके बाद ही आना। मॉम हम लोग कल भी तो घूमने जा सकते थे ना, आज मैं काफी थकी हुई हूँ, बिकॉज कल ही पार्टी थी इसीलिए मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन आज आपने घूमने का प्लान कर दिया, मैं कैसे जाऊँ? आइयो बेटा, की कल की पार्टी से तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा, बिकॉज मैंने बहुत कुछ बुक कराया है, अगर नहीं गई तो मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाएं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? नहीं मैं जाऊंगी आज, आप फिक्र न करें। कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ। ग्रेट, लेकिन ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद ही जाना, उसके बाद तुम लंच डिनर सब कुछ बाहर ही करोगे, घर पे आने की जरूरत नहीं है। ओके ओके फाइन मॉम, हम समझ गए हमें क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक ऑफ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे यहाँ पर अच्छा तो बहुत फील हो रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा थकी हूँ कि मुझे बैठा नहीं जा रहा। आई नो बट इट्स ओके, तुम मेरे शोल्डर पे रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक बात पूछूं, क्या तुम मुझे सच सच बताओगे, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? वैसे तुम जैसे जालिम इंसान को देखकर ये तो नहीं लगता कि तुमने कभी किसी से प्यार किया भी होगा। खैर छोड़ो, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, तुम बताने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम किसी से प्यार नहीं करते। किया था, लेकिन बचपन में। मैं उससे हमेशा से प्यार करता हूँ, इनफैक्ट मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, मैं उसी से प्यार करता हूँ।